अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है एस आर व्लॉग। तो भाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू आवर चैनल। भाई आप लोग हम लोग जो है तकरीबन 8-10 दिन से गायब थे, व्लॉग नहीं बना रहे थे बिल्कुल, क्योंकि तबीयत बड़ी डाउन थी। उसके बाद और भी बहुत सारे काम थे, ठीक है। आज मेरी हालत आप देख सकते हैं बिल्कुल पसीने अभी भी इतने सारे काम करेंगे क्योंकि आज हमें जाना है गाँव। भाई हम इसी दिन का तो वेट कर रहे थे। तो यार आपको ये बताना चाहता हूँ, हम लोग पिछले 10 दिनों से व्लॉग इसलिए डालते हमें जाना था गाँव। तो यार हम लोग गाँव तो जा नहीं पा रहे थे, उसकी वजह थी हमने प्लान मिला था 16 का, पर जो मेरा प्रैक्टिकल था ना वो मेरे को लगा 16 को है पर वो था 18 को। तो मैं इनको आस लगाई हुई थी 16 को जाएंगे, तो हम इसके प्रैक्टिकली रुके रहे वरना हमें 16 को निकल जाना था। तो जब 16 वाला दिन जब मतलब 18 है आज के दिन, तो कर रहा है पता लगे प्रैक्टिकल इसका 27 को। और उसके बाद हम लोग क्या करने हैं, उसके बाद हम लोग कल से लगे हुए सरों के नंबर लाहौर में। हम नया मार को जाने वाला नहीं, वरना चाचू मेरे पुलिस में कराची में 2 चंबे मार के हम सुप्रिटेंडेंट को लगा देते। भाई बात यह है कि हम लोग ना कल से लगे हुए इसके किसी सुपरिटेंडेंट का नंबर मिल जाए, कोई पैसे ले दे के ऐसा काम हो जाए, पर हमें मिल नहीं रहा था। और इसके एक दोस्त ने हमारे इतना गंदा प्रैंक, उसका नाम है आपको पूरा, उसका नाम है मास, आपने देखा होगा मास स्कूल भी जाता था। तो यार उसने हमारे साथ ये स्कैम किया है, उसने हमारे साथ ये स्कैम किया सेंटी आगे मार दिया। तो उसने हमारे साथ ये स्कैम किया, हमने उसको कहा मेरे को सर का नंबर दे, क्योंकि उसके ऊपर जो उसके अबू हैं वो ना जो यूनिवर्सिटी के ना प्रोफेसर हैं। तो उसने हमें अपने सर के बजाय उसने हमें अपने भाई का नंबर दे दिया कि ये सर का नंबर है, उसका भाई हमसे सर बन के बात कर रहा है। इतनी टेंशन में थे हम उसे सर समझ बैठे, हमने उसके भाई को सर समझ लिया। और मैं कहता भाई हमें 1500 रुपये मुझे भेज देना, मैं क्लार्क को भेजूंगा ऐसा काम हो जाएगा। मैं इतना खुश, मैं भी इतना खुश, हमने कहा चलो मसला लगे। पता लगा बाद में मेरा दोस्त कहता है यार चोली आज मैं तो मजाक कर जाता यार। यार अब ऐसा दोस्त है उसको हम लोग पेपरों में लेके जाते, उसकी इतनी मदद करते हैं, मेरे तो उससे दोस्ती समझो एक तरह से खत्म कर दी। मैं उसको इतनी सुनाई, मैंने कहा मैं दिल नहीं चाह रहा हूँ ना मैं उसको मार के आ जाऊँ। उसके बड़े भाई को गुस्सा रहा है, उसके घर अपने अबू को देख, कितना गुस्सा आया हुआ था ना। फिर भी चलो कोई बात टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी ऑलमोस्ट बजे कुछ 6:30 हमने जाना 10 बजे, ठीक है। और अभी हालात देख गंदे, ये देखो कटिंग की है पर पता नहीं चल रहा भंगी फुल बने, रात देगी शर्ट पहनी नीचे पता नहीं चड्डा कौन सा पहना। तो अभी ज्यादा नीचे ना जाएगा, तो अभी बात है कि हम लोग मिलते हैं सीधा 10 बजे 9 बजे हम निकलेंगे। तो फाइनली यार हम लोग पहुंच चुके हैं सीधा बस वाले अड्डे पे, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग को दिन में तैयार होने के बाद मिलना था, पर अभी आप लोग क्यों मिल रहे हो, तो यार असल में हमारे साथ दिन में हुआ क्या रात ही आप ही बताओ। भाई असल में हुआ है, हम जब भी ब्लॉग स्टार्ट करते कहीं मम्मा बुला लेती कहीं पापा बुला लेते, दिन में नहीं सॉरी शाम में जब रात निकलने लगे थे ना 8-9 बजे के बाद, तो हमने कहा यार अब क्या देखो वहाँ पर हम दिखाते हैं फ्रेश फ्रेश हमारे को देखो। तो भाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग दोबारा आ चुके हैं अपने ब्लॉगिंग चैनल के साथ। अभी पहले यार अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है एस आर व्लॉग। बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे, टिकट लेते हैं फिर आप आगे भी टिकट लेते आपको दिखाता हूँ कहाँ के टिकट ले रहे, कौन से टिकट ले रहे, कितने के आगे भी टिकट खरीद रहे, तो देखते हैं भाई। भाई कितने का एक टिकट हो गया वैसे? अच्छा आजकल डायवो कितने किया? और अभी ना टिकट विकट ले लिए सारा कुछ, तो ये वाइट वाली हमारी बस है यार, अभी ना फैमिली के पास जाते हैं। फाइनली हमने टिकट विकट ले ली, हम लोग कराची वाले पान वाले बने हुए। तो अभी जो हम लोग सामने खड़े में अभी हम लोग सामान लेते हैं अपना, और बस इधर चलने की टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको मिलते सीधा बस के अंदर बैठ के। तो यार आपका भाई कुली नंबर 1 बन गया ये देखो, और ये हमारे पीछे पूरी फैमिली आ रही है। और रात आगे जा, रुक जा रुक रुक वो हम बसों के बीच फंसते हुए आ रहे हैं। भाई भाई कुली नंबर वन भागते हुए, ये रात भाई हमारा, ये देखो भाई घसीटते हुए बैग, ये हमारी बस है साइड में। तो यार अभी आपको ना बस के अंदर जाके फाइनली सामान की लोडिंग हो रही है, पता नहीं वो अंदर इन्होंने पूरी गुफा बनाई हुई है। जाए अंदर, चले जाते अंदर आपको दिखाते हैं। वो बस के नीचे नई दुनिया है भैया। तो यार अभी ना आपको सामान वाम रख के आपको ना सीधा बस के अंदर जाते हैं। तो यार फाइनली हमने सामान रखा लिया और अभी हम अंदर आ रहे हैं। लग्जरी बस यहाँ पे सारे जाना है। तो यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, रात भाई लोग ये सामने बैठे और हम लोग ये बैठे हैं। और शायद फिर तो बिल्कुल झाल पीछे और फैमिली छोड़ो यार बच्ची बचे लग्जरी बस। मेरे पापा का बहुत बहुत शुक्रिया जो ये वाली बस करा के दी, वरना तो ट्रेन में बड़ा गंदा होता है। और ये सामने देखो भाई क्या कैसी दीवार है, बहुत अच्छी दीवार है, क्या क्या लिखा है। तो अभी बस चल रही नहीं, अभी रुकी हुई है। मुझे भी लेना हम लोग ने बोल बोलिए सर जी क्या बनना है। सर जी शर्मा रहे तो यार अभी इधर ही बैठे बैठे बात तो नहीं कर सकता, टाइम लाया तो नहीं कर सकता। अंकल ने सीट आगे कर दी। वो ये भीतर लगा, मैं तो अभी देखा है गरीब ने। सर इधर आ, ये टैबलेट निकालना है दोनों एक, यहाँ से लाइटिंग के लिए काम है।
यार अभी ना यही बातें करते हैं तो हम लोग ब्लॉग नहीं ख़त्म कर सकते अभी, बस जब चलेगी तो आपको अब मिलते हैं और दिखाते हैं रास्ते क्या आएंगे, रास्ते क्या नजर आएंगे। रात ये आपको एकदम वहीं पहुँच के मिलेंगे सुबह 6 बजे, या फिर रास्ते में जो भी आपको अच्छा जब होटल पर रुकेंगे वो दिखाएंगे जो भी। आज के जो आज से जो ब्लॉग आएंगे ना खतरनाक आप बोल लेंगे इंशाल्लाह। यार अभी जब बस रुकती है आपको मिलते हैं। हाँ जी, तो भाई मैं तो नींद करके उठ गया हूँ, ठीक है। बाकी साथ मेरे साथ अभी जो है थोड़ा सा स्टे हुआ था, ठीक है। और ये हमारी भी जगह थोड़ी सी, तो हमने कहा ज़रा कुछ खा पी के आ जाएँ। तो अब यहाँ से पहले कुछ बर्गर शेकर लेते हैं। वैसे तो मेरे यकीन जाने मेरे को बस में इतनी कोई मतलब अंदर एसी बिल्कुल था, इतना ठंडा माहौल था, बट स्टिल ना मेरे को इतनी उल्टियाँ आ रही थी, मतलब इतने अजीब सा हुआ था, मेरे से कुछ खाया नहीं जा रहा था। मैंने कुछ खाया नहीं पूरे रास्ते, बस ज़्यादा एक बर्गर खाया और थोड़ी बहुत जो कौरमा बना था मटन कौरमा वो खाया, बाकी बिस्किट्स खाए बस, और मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही थी। तू तो इधर आ। और ये तो भाई नशोई किधर था, मेरे साथ था ही नहीं, मैं तो वो पीछे बैठा हुआ था, ये पता नहीं आगे किधर बैठा हुआ था। तो यहाँ से पता करते हैं कोई बर्गर शर्गर, उसके बाद फिर ज़रा कोई वॉशरूम वगैरह भी हुआ है यहाँ, फिर बस में मसला ना हो जाए ना, एमरजेंसी कॉल जो आ जाती है। तो अभी फिर आपको मिलते हैं बर्गर शर्गर लेने के बाद। यहाँ शॉप पे यहाँ पर इतने सारे खिलौने, बाकी ये नशों में घूम रहा है, खबर ही नहीं है इसको वो क्या रहा है। अभी वहाँ सामने पेमेंट बर्गर तो ले लिया, अब सामने पेमेंट करते हैं, ठीक है। यार पैसे ले लें, एक चिकन बर्गर। हाँ टीरू बोल भी कुछ से गिरा चले। ये डकैत देख रहे हो, कभी बोलता टैबलेट चोरी करते हैं, कभी डिस्पोजेबल ग्लास चोरी करके ला रहा है, और क्या जेबें चेक करा, और तो कुछ नहीं है। नहीं तो यार अभी जो है ना, अभी सीन है कि हमारी बस तो सामने ही है, अभी बस थोड़ा ही रास्ता रहेगा, कोई 3-4 तो बजी गए, तकरीबन 5 बजे के बाद हमें पहुँच जाना एबटाबाद। तो आपको सीधा मिलेंगे गांव में उतरने के बाद। मैंने कहा था कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, बट यहाँ स्टे आ गए तो मैंने कहा वीडियो बनानी चाहिए। तो आपको मिलेंगे सीधा उधर एबटाबाद से पहुँचेंगे, सीधा आपको मिलेंगे वहाँ पर। आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, उन्होंने जो पाकिस्तानी जुगाड़ लगाए हुए हैं, ये देखें, मतलब फुल पैसा वसूल इन्होंने किया हुआ, हर एक चीज़ का इन्होंने बेहतरीन इस्तेमाल किया। बाकी अब देखते हैं आगे चलती है बस, तो क्या होता है बाकी फिर आपको मिलते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एबटाबाद में, आपको सामने का व्यू दिखाता हूं भाई कैसा है। और देख लो सारे जगह घर ही घर, और पीछे ही देख लो पहाड़ मार, और ये कोई पता नहीं कौन खड़ा है मनी। तो यार अभी का ये सीन है कि क्या सीन है बताओ। ये सीन है, मेरे को इतनी शदीद नींद आई, मैं तो थका हुआ ना, यहाँ के रास्ते ऐसे ना गोल 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 गोल, मैं क्या बताऊँ। अभी असल में बात ये है कि अभी हमने जाना है सबसे पहले जहाँ, मतलब अभी हम जिनके घर जा रहे हैं ना, वहाँ शादी है उनकी, हम सबसे पहले उनकी शादी अटेंड करेंगे। आज उनकी बारात है, कल तो वली में, वैसे तो अपनी जो खाला के देवर है ना उनकी शादी के लिए आए थे, बट फिर हमें 3 दिन पहले ना इनका भी इन्विटेशन आ गया, तो इनकी शादी भी आज है, जो खुद ही साहब लोगों थके हैं और आज ही शादी है। तो अभी यार अभी ये सीन है ना, हम लोग इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और ये भी वाला व्लॉग थोड़ा अच्छा ना ही बना हो तो, क्योंकि हम थके ही थे। इसके बाद से व्लॉग जो है ना भाई, समझ लो खतरनाक आने वाले हैं, और ट्रेलर था अब तो स्टार्ट हुआ, इसलिए हम यहाँ पे व्लॉग एंड करें ताकि अब से सीरीज स्टार्ट हो जाए। यार अभी इस व्लॉग को हम लोग यही एंड करते हैं, और आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दो यार, कोई भी नहीं करता यार वीडियो देख के, लाइक नहीं करते, लाइक सब्सक्राइब कर दो, और क्या करना है बता, लाइक सब्सक्राइब शेयर और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके जाना। तो यार आज के व्लॉग में इतना ही था, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।